आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला ब्रेड का बहुत ही चटपटा ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता, जिसे सामने रखते ही प्लेट ऐसे साफ हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं गीता वर्मा, गीता की नू रेसिपीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 ब्रेड ले ली हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को 4 टुकड़ों में काटने वाले हैं। यहाँ पे मैं कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 4-4 टुकड़ों में इसे काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैं काट लूँगी 4-4 टुकड़ों में। सारी जितनी भी ब्रेड है उसे हम इस तरीके से काट लेंगे। तो मैं सारी ब्रेड काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी ब्रेड थी सबको काट लिया है, और आप अपने हिसाब से ब्रेड कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको नाश्ता बनाना है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ डिज़ानो का ये एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, वेट लॉस में मदद करता है और साथ ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये ऑलिव ऑयल डालने वाली हूँ। अगर आप रिफाइंड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। हमें ब्रेड को फ्राई करना है क्रिस्पी होने तक, उसके टोस्ट तैयार करने हैं। अगर आपके पास पॉपअप टोस्टर हो तो आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। उसमें आप टोस्ट कर लीजिए ब्रेड को और उसके टुकड़े कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इसे इस तरीके से फ्राई करने वाली हूँ। तो हमें इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि ये एकदम से क्रिस्पी हो जाए और ये खाने में बहुत टेस्टी लगे। ये देखिए, और यहाँ पे गैस को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है ताकि ब्रेड हमारी जले नहीं, और इस तरह से दोनों साइड से हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रेड है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो ये जो नाश्ता है वो काफ़ी क्रिस्पी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल यूनिक नाश्ता है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा, और झटपट बन जाता है। अब ये जो बचा हुआ तेल है इसमें मैं बाकी के ब्रेड भी गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, सेक लूँगी। अगर आप ऑयल कम पसंद करते हैं, ऑयली फूड कम पसंद करते हैं, तो आप तवे पे हल्का सा तेल लगाकर इस ब्रेड को दोनों साइड से सेक भी सकते हैं। अगर आपके पास पॉपअप टोस्टर नहीं है तो उसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ होगा, और अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन मैंने बता दिए आप किस तरह से फ्राई कर सकते हैं ब्रेड को। बेसिकली हमें इसे क्रिस्पी करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसे क्रिस्पी करने के, आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्रेड है ये भी हमारी सिक चुकी है दोनों साइड से और काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ क्योंकि मेरी जो अभी ब्रेड है वो बची हुई है, तो मुझे उसे भी फ्राई करना है। तो अगर आपका तेल ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से थोड़ा सा तेल और डालिए, उसे गर्म करके फिर से ब्रेड इस तरीके से सेक लीजिए। तो यहाँ पे जो सारी ब्रेड है वो मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक ली है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया और बहुत ही ज़्यादा ही क्रिस्पी बनी है। तो ये सारी ब्रेड मैंने सेक ली है। अब मैं फिर से इस पैन में तेल डालूंगी, और बहुत कम तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये तेल डाला है, और इसे मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों के बीज, और इसे थोड़ा सा हम क्रैकल होने देंगे, चटकने देंगे। गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम पे रखा हुआ है, इस तरह से घुमा देंगे इसको ताकि अच्छे से क्रैकल हो जाए, चटक जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं यहाँ पे 2 प्याज डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, इसे भी हम पका लेंगे। और यहाँ पे हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक पकाना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना जैसे हम सब्जी में करते हैं, उस तरह से नहीं करना है। तो इसे भी हम पकने देते हैं। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग,
इससे प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक गाजर, बिल्कुल छोटा छोटा मैंने गाजर को काट लिया था, क्योंकि जितना हम छोटा काटेंगे उतनी जल्दी गाजर पकेगी। और साथ ही एक शिमला मिर्च जिसे मैंने रफली चॉप किया हुआ है, और इसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च। इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, 1/4 ग्लास के करीब, 1/4 कप मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मैं कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा पकाना है ताकि सब्ज़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है सब्ज़ी को। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो सॉफ्ट हो चुकी है। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि गाजर पकी है या नहीं। शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी पक जाती है, ये देखिए गाजर भी हमारी पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। तो 5 मिनट मैंने इसे पकाया था। साथ ही अब मैं एक टमाटर डाल दूंगी, छोटा छोटा काटा हुआ। मैं फिर से कवर कर दूंगी इसे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट बाद हमारा जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। इसे थोड़ा सा मैश कर दूंगी मैं, ताकि जो टमाटर है वो बारीक हो जाए। तो यहाँ पे सब्जियाँ पक चुकी हैं और टमाटर भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शेज़वान चटनी, और आप इसकी जगह अगर आपके पास पास्ता सॉस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो आती है। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने ये शेज़वान चटनी डाली है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, तीनों से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ पक चुकी हैं। ये थोड़ी सी मैंने चटनी और डाल दी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा पसंद है और बच्चे भी मेरे थोड़ा चटपटा खाते हैं। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। और ये हमारा बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये ब्रेड के पीसेज ऐड कर दूंगी फ्राई किए हुए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, एकदम क्रंची टेस्ट आने वाला है। बस इसे जस्ट मिक्स करिए और इसे बहुत टाइम मत लगाइएगा खाने में, क्योंकि फिर जो ब्रेड होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इसे फटाफट मिक्स करिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, देखा कितना आसान था इसे बनाना। तो कभी भी मन करे आपका खाने का, या फिर आपको भूख लगी हो छोटी मोटी भूख के लिए, बहुत अच्छी रेसिपी है। बच्चे कभी भी डिमांड कर देते हैं खाने की शाम को अक्सर। तो इस तरीके से ब्रेड पड़ी हुई है, बना के उनको दीजिए, बार बार बनाएंगे और बार बार डिमांड आएगी कि आप इसको बनाएं, बहुत ही मज़ेदार है। और जब बच्चों के सामने रखेंगे तो प्लेट चुटकियों में साफ़ हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी गारंटी आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और गर्मा गर्म ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखा कितना आसान था इसे बनाना। साथ ही अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो इसमें आप सब्जियां ऐड करेंगे तो सब्जियां भी खाएंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। तो एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ इस तरह की नई वीडियो के